ये देखो एग्जांपल एक है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। कैसे निकलेगा ये एक्स वाई और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन? देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय एल एम एंड एन। एल इज योर कॉस अल्फा, एम इज योर कॉस बीटा एंड एन इज योर कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है कि जो लाइन ओपी है वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा और जेड एक्सिस से एंगल गामा। ठीक है, तो जब हम लोग एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगी? 0 डिग्री। तो कॉस अल्फा हो गया 0, इट मीन्स कॉस अल्फा इज कॉस 0, कॉस 0 इज योर 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एल इज 1, यानी एल हो गया 1। और जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस से बनाती है एंगल 90 डिग्री, तो कॉस बीटा मीन्स कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा 0, तो एम की वैल्यू हो गई 0। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से बनाती है एंगल 90 डिग्री, तो कॉस गामा हो गया कॉस 90, अगेन इट इज 0, सो एन इज ऑल्सो 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1, 0 एंड 0। सिमिलरली यू कैन गेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर 6, 2 एंड 3। तो इसके लिए भी बताया थे, अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइंस होगा प्लस माइनस ए बाई रूट समेशन ए स्क्वायर, प्लस माइनस बी बाई रूट समेशन बी ए स्क्वायर, प्लस माइनस सी बाई रूट समेशन ए स्क्वायर। तो ए इज योर 6, बी इज योर 2 एंड सी इज योर 3, एंड समेशन ए स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मीन्स कितना हो गया 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, यानी कि ये हो जाएगा 40, और प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, ये हो जाएगा 49। टेक अंडर रूट ऑफ 49, इट विल बी 7। सो द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी प्लस माइनस 6/7, प्लस माइनस 2/7 एंड प्लस माइनस 3/7। सिमिलरली देर इज अनदर क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस इफ एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0, एम एंड एम एन प्लस 6 NL - 12 LM इज इक्वल टू 0। तो इसको भी निकालना आसान है। इसमें क्या करना होगा कि आप तीन वेरिएबल है NLM, बट यू हैव ओनली 2 इक्वेशंस, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे एल एम और एन में एक रिलेशन मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। और जब रेशियो मिल गया तो उस रेशियो का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन को साइन। एक कंडीशन साथ में और क्या हमारे पास है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन का अगर यूज करेंगे तो वो थर्ड कंडीशन हो गई, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन वेरिएबल हो गए, तीन अननोन हो गए, तो ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑन अनदर लाइन। देखो ये फिगर से तुम्हें क्लियर होगा, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ये एक प्लेन है जो कि ए से जा रहा है, ये दूसरा प्लेन है जो कि बी से है, और हॉरिजॉन्टल पे दो पॉइंट है सी एंड डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ए बी, वी नीड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट ए बी ऑन ए लाइन सी डी, ऑन दिस लाइन सी डी। प्रोजेक्शन में समझ लो एक तरह से इसका इमेज कैसा पड़ रहा है, अगर वर्टिकल डालेंगे टॉर्च ए और बी पे तो उसका इमेज का लेंथ कितना है, दैट इज योर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ए बी ऑन ए लाइन सी डी इज द इंटरसेप्ट ए डैश बी डैश, सी दिस इज ए डैश दिस इज बी डैश, मेड ऑन सी डी, सी डी पर इंटरसेप्ट बना है, बाई प्लेन परपेंडिकुलर टू सी डी थ्रू ए एंड बी। ए और बी पे हम प्लेन खींचे हैं जो कि सी डी के परपेंडिकुलर है, तो ये जो इंटरसेप्ट ए डैश और बी डैश हमें मिलता है, दिस इंटरसेप्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन दिस स्ट्रेट लाइन सी डी। तो देखें, वी ड्रॉ ए लाइन ए पी पैरेलल टू सी डी, ये जो सी डी है सी डी के पैरेलल में पॉइंट ए से एक लाइन खींचेंगे ए पी जो कि इस प्लेन को पी पे टच करता है। देन एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज योर थीटा एंड सिंस एंगल ए पी बी इज योर 90 डिग्री, ये जो एंगल ए पी बी है ये हमारा 90 डिग्री है, देयरफॉर
AP will be AB cos theta. This AP is what? AB cos theta. Why? Because cos theta is your AP by AB. So AP will be AB cos theta. And this AP is nothing but A dash B dash. So this is A dash B dash. It means A dash B dash is equal to AB cos theta. Any projection of this straight line on CD is AB cos theta, where theta is this angle. So iska use karke hum log projection nikal sakte hain. Next concept hai. The direction cosines of the line joining the two points P, X1, Y1, Z1 and X2, Q, X2, Y2, Z2. Ye point hai P, X1, Y1, Z1. There is another point Q, X2, Y2, Z2. In dono ko join karne ke liye line bana PQ. Now, we need to find the direction cosine of this line PQ. So the direction cosine of this line PQ will be proportional to X2 minus X1, Y2 minus Y1 and Z2 minus Z1. Dekho. X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. So LMN is proportional to this one. So isse hume LMN ki value in terms of inke hum mil jayegi. L is equal to X2 minus X1 sum K into K. M is Y2 minus Y1 into K. And Z is, and N is Z2 minus Z1 into K. And use the result L square plus M square plus N square equal to 1. So from that relation, you get the value of K. Substitute the value of K. Then you can get direction cosines. तो ये भी आसान है करना. ये x1 y1 z1 x2 y2 z ये पॉइंट्स दिए रहेंगे आपको प्रॉब्लम में. जैसे एग्जांपल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 3 minus 5 एंड minus 2 1 minus 8. तो ये तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 निकालो, उसको k से मल्टीप्लाई कर दो, lmn के बराबर ले लो और l square plus m square plus n square is equal to 1 से k की वैल्यू निकल जाएगी. जब k निकल गया तो lmn निकल. इसके बाद है the projection of the segment joining the points P, X1, Y1, Z1 and Q, X2, Y2, Z2 on a line with the direction cosine LMN is X2 minus X1 into L plus Y2 minus Y1 into M plus Z2 minus Z1 into N. PQ is a straight line, hai, jiska, coordinates PK, PX1, Y1, Z1, Q is your X2, Y2, Z2 and P dash Q dash is the projection of PQ on this line and this line has the direction cosines LMN. Then the projection P dash Q dash is equal to X2 minus X1 into L plus Y2 minus Y1 into M plus Z2 minus Z1 into N. Therefore, there is a question. Find the projection of the segment AB on the line CD and the segment CD on the line AB. यहाँ पे आपको चार पॉइंट दिए A, B, C, D. तो स्ट्रेट लाइन AB का प्रोजेक्शन CD पे और स्ट्रेट लाइन CD का प्रोजेक्शन AB पे. तो ये निकालना बहुत आसान है. When you are going to find projection of AB on CD, तो CD का दोनों point का coordinate दिया है, इनका use करके निकालना होगा CD का direction cosines, और direction cosine अगर निकल गया, तो ये formula से निकल जाएगा projection of AB on CD. Similarly, find the direction cosine of straight line AB, and use this formula to find the projection of CD on AB. तो ये भी आसान है करने में. Next is your angle between two lines. So whose direction cosine? Suppose we have two straight lines whose direction cosines are given as L1, M1, N1 and L2, M2, N2. So hum do straight line lenge, X, Y, Z Cartesian system, hum do straight line lenge, OP1 and OP2. This OP1 is parallel to first line. Jo first line hamara jiska direction cosine L1, M1, N1 hai, uske parallel ek line khichenge point O se OP1. Similarly, वो स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN L2 M2 N2 है उसके पैरेलल एक लाइन लेंगे पॉइंट O से OP2 एंड OP2 इज पैरेलल टू सेकंड लाइन L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 दे विल बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP1 एंड OP2 व्हाई बिकॉज़ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दे हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस एंगल P2 OP1 इज इक्वल टू थीटा सपोज दिस एंगल P2 OP1 इज इक्वल टू थीटा वी नीड टू फाइंड दिस एंगल इफ दिस इज this angle is theta between OP1 and OP2, then the same angle will be between the two given straight lines with direction cosines these two. Suppose this P2 OP1 is theta and point P2 is X2, Y2, Z2. You know that the origin O is 0, 0, 0. Since we know the direction cosine of line OP1, then projection of OP2 on OP1. This we need to find projection of OP2 on OP1. What will be? It will be X2 minus 0 into L1 plus Y2 minus 0 into M1 plus Z2 minus 0 into N1. As per our earlier formula, we have discussed here. Also, this projection will be OP2 cos theta.
this projection will be OP2 cos theta, and its value is L1x2 plus M1 by 2 plus N1 Z2. So from here you can evaluate cos theta. You need to find one more thing. So let us go further away. So OP2 cos theta is L1 into L2 OP2. Similarly, LX2, we will substitute here the value of X2, which is L2 OP2. So similarly, you can get the value of Y2 as L2 M2 OP2 and of Z2 is your N2 OP2. So from these two equations, OP2, OP2 cancels each other. So you get cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. There is also one concept. The direction cosines of two straight lines are given by AL plus PM plus CN is equal to 0. And FMN plus GNL plus HLM is equal to 0. The lines are perpendicular. The two lines are perpendicular if F upon A plus G upon B plus H upon C is equal to 0. And the lines are parallel if root AF plus minus root BG plus minus root CH is equal to 0. Sometimes this type of questions you may find in your paper. Find the angle between the lines whose direction ratios are this one. This is the direction ratios of first line. This is the direction ratio of second line. So you need to find the angle. Remember, cos theta is given as L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, where theta is the angle between two lines. So you need to first convert these direction ratios into direction cosines using the earlier discussed method. Similarly, this will be converted to direction cosines, and use this formula, you can very easily get the value of the angle. The next concept is about the plane. A plane is represented by an equation of the first degree in x, y, and z. This is the definition, and is of the form ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Here a, b, c, they are real and they are not all of them are 0. Maybe a, b is 0, but c is not 0. So not all of a, b, and c are 0. So this is the definition of a plane. See, there is a theorem. We need to just see this statement. Every equation of first degree in x, y, z represents a plane. So if you get an equation of this type, means first degree equation in x, y, z, so this will be a plane. Geometrically, what is a plane? Suppose we have two points P and Q. Join these two points P and Q. If all the points of this straight line lie on the plane itself. See, a locus is a plane if it is such that every point of the line PQ joining P and Q lies on the locus. So if all points of this straight line PQ lie on this one, so then we can say that this is a plane. There is a question, find the coordinates of the points where the plane AX plus BY plus CZ plus D is equal to 0. And this is the condition, A square plus B square plus C square is equal to 0 meets the three coordinate axis. This is a very good question. So, tumko nikalna hai un points ka coordinate jin pe ki ye plane X axis se meet karta hai, Y axis se meet karta hai, Z axis se meet karta hai. Dekhiye, iska solution bahut aasan hai. जब ये प्लेन एक्स एक्सिस से मीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वाई इज जीरो एंड जेड इज जीरो. तो सब्स्टिट्यूट हियर वाई जीरो जेड जीरो, यू कैन गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. सिमिलरली व्हेन दिस प्लेन मीट्स द वाई एक्सिस, यू विल हैव एक्स जीरो एंड वाई एंड जेड जीरो. सो फ्रॉम दिस यू कैन गेट वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई बी. एंड व्हेन दिस प्लेन मीट्स द जेड एक्सिस, then you will have x and y both 0, so z will be minus d by c. So you can get the coordinates as minus d by a 0, 0, 0 minus d by b 0, and 0, 0 minus d by c. So these are the coordinates where this plane meets the three coordinate axis. This is a simple one. There is another one more concept we will discuss today. Normal form means normal form of a plane. OK is perpendicular to the plane. See here, we have this plane, triangular. You can see this is triangular, X, Y, Z, O is origin.
ओके के इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन एंड ओके इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड लेंथ ऑफ ओके इज स्मॉल पी. लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओके. वी अज्यूम दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन ओके इज एल एम एन. देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल पी. This is called equation of the plane in normal form. It is very easy to see to get this one because O is your 0, 0, 0. Suppose P is any point X, Y, Z. So you need to find the projection of OP on this straight line OK. So it will be X minus 0 into L plus Y minus 0 into M plus Z minus 0 into N. Means it is LX plus omega plus NZ. And it is equal to length of OK. So it is a small p. So this is your normal form of a plane. Now there are questions. First note, the coefficient of x, y, z are direction ratios of the normal to the plane. Suppose L, M, N are not the direction cosines. They are given some other values. So that will be treated as the direction ratios of the normal to the plane. Because this L, M, N are direction cosines of normal to the plane. If they are not direction cosines, they will be treated as direction ratios of the normal to the plane. Which plane? The plane in this form, normal form. There are two questions. Find the direction cosines of the normals to the plane. One plane, 2x minus 3y plus 6z is equal to 9. X plus 2y plus 2z minus 1 equal to 0. You have two planes. So 2 minus 3 and 6, 2 square plus minus 3 square plus 6 square is not equal to 1. So 2 minus 3 and 6, these are direction ratios. So you can get the using the direction ratios, these direction ratios to convert them to direction cosines. Similarly, you can do for this equation also. Next question, show that the normals to the planes, this are perpendicular to each other. You can very easily get, since LMN, L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to cos theta, use that idea and you can get the solution to this problem. So this is all about for today. And if you have any query, any difficulty, you just send me a message. Also, this will be available on YouTube. There is a comment section. You can send your comments there also.